हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी ब्लॉग वीडियो लेके। तो इस ब्लॉग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने छोटे भाई को अपना प्यारा सा आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं बहुत सारा, तो बने रहिए लास्ट तक इस ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दादी हैं और मिट्टी लगा के हौदी बोलते हैं हम लोग, इसमें पशुओं को पानी और चारा डाला जाता है। जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, भैंसिया लोग को खाने के लिए मतलब दादी बना रही हैं मिट्टी लगा के, सही से उसको सपोर्ट दे रही हैं ताकि ये गिरे ना। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी भाभी जी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और ये क्या कर रही हैं, गेहूँ धो रही हैं, मतलब इसको धो के साफ़ सुथरा करके आटा पिसाने के लिए जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, एक उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको जिसमें गेहूँ धो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉप है, टॉप टॉप जिसमें गेहूँ धो के अब बोड़े में भर रही हैं। ऐसे यहाँ पे और दो तीन बोड़ा रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो भाभी जी के इस मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अपने भाई के और इनके देवर जी को चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट करिए यार प्लीज़। तो दोस्तों फाइनली मैं खाना वाना खा पी के अब जा रहा हूँ गाजीपुर, गाजीपुर आईटीआई स्कूल में, प्राइवेट आईटीआई स्कूल में कुछ मेरे दोस्त हैं और मेरे गांव के लड़के हैं, उनका एडमिशन कराना है। तो इतनी धूप हुई है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बहुत सारा धूप लग रहा है, बट बच्चों का हेल्प करने जा रहे हैं और बहुत सारा आज काम करना है गाजीपुर में, मेरा भी बहुत सारा काम है। तो चलिए चलते हैं गाजीपुर के तरफ। तो फाइनली हम सहणी चट्टी पर आ चुके हैं, यहाँ पे जनसेवा केंद्र है, यहाँ से मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो यहाँ पे निकालना है हमें। देख सकते हैं आप लोग, यूनियन बैंक जनसेवा केंद्र है और इधर ट्रेन जा रही है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। तो चलिए कुछ पैसे निकालते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। देखिए भैया, तो एटीएम दे दिए आप, निकालिए भैया, 1500 देना है ना, 1500 की ज़रूरत है मुझे। तो देख सकते हैं फाइनली 3 टू 500 मिला है, 3 टू 1500, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इससे कुछ हमें काम करना है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यही मेरा भाई लोग है, इन्हीं सबका एडमिशन कराना है जी। बरियाई चले जाते एडमिशन करवा रहे से, देखिए एडमिशन भी कराने जा रहे हैं और क्या है, जबरदस्ती इतना जबरदस्ती थी ऐसे नहीं, नहीं नहीं ना। तो कुछ कहना चाहोगे हमारे सपोर्ट के लिए? ना का अभी बरियाई जब गाड़ी बाड़ी में नाम लिखा ले जाता हूँ, गाड़ी बाड़ी में आईटीआई में नाम लिखाना है इन सबका। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपया पे किए हैं, 50 रुपये का इसके गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, पर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 150 रुपये का अपने स्कूटी में तेल डलवा रहे हैं। तो देखिए ये है विजय आईटीआई और ये गेट है, इधर देखिए बाहर खड़े होकर सब लोग बाइक के बैठ के आइसक्रीम खा रहा है ना, हम भी खा रहे हैं, देखिए सभी लोग खा रहे हैं। तो अभी सर आए नहीं है तो वेट कर रहे हैं, वो चाट रहा है, आइसक्रीम चाट रहा है। आज फाइनली भाई लोग का एडमिशन करा दिए हैं, अब यहाँ से तो हम अकेले हो जाएंगे, सभी लोग अकेले अकेले हो जाएगा ना जी, सबको इधर उधर काम है, हमको भी कुछ काम है। भैया ने बहुत मेहनत किया है हम लोग के एडमिशन के लिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और नहीं किया तो बेल आइकन कर लीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली अब बच्चों का एडमिशन कराने के साथ साथ हम आ चुके हैं हीरो एजेंसी में, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हीरो एजेंसी है गाजीपुर में। यहाँ पे हमको अपना क्या बोलते हैं वो सर्विस वाला जो होता है ना, सर्विसिंग मेरा पूरा हो चुका है तो वही कागज़ बनवाना है रिटर्न फिर से, ताकि फिर से मेरी ये स्कूटी सर्विस हो सके। तो दोस्तों देख सकते हैं रसीद मिला हमें और पैसा जमा करना है अभी, तो चलिए अपना पेमेंट जमा करते हैं। देख सकते हैं आप लोग हमारा कागज़ बन रहा है फिलहाल, शीशे में पैक है, कैश काउंटर है। तो दोस्तों फाइनली मेरा कागज़ कंप्लीट हो गया है, अब हम अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं। तो देखिए कागज़ मिला है और 1500 जो पैसा निकाला है उसमें से कुछ पैसा निकला है, ठीक है, जो बचा है 1100 लगा है मेरा। फाइनली देख सकते हैं आप लोग, ये छोटू का एक अपना बाल वगैरह कटवाए थे, ब्लॉग वीडियो बनाए थे यहीं पर, ज़्यादातर हम कमाते हैं, छोटा सा बच्चा है बट उसे छोटा ना समझिए, बहुत अच्छी डिजाइनिंग में बाल काटता है, सेविंग भी करता है, तो इसी के यहाँ पसंद आता है। तो ये काली नगर कॉलोनी में है, अभी आए हैं और देख रहे हैं बहुत गर्मी, बहुत धूप, एकदम बहुत आज ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ गया यार, बहुत मेहनत लगी है। तो
फाइनली चलिए अब क्रीम लगा रहा है, अब झाड़ू पोछा लगा रहा है मेरे चेहरे पे, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा लगा रहा है ना जी, हाँ झाड़ू पोछा लगा रहा है, देख सकते हैं इतना सारा बाबा लोग का दाढ़ी बना दिया बाबा जी लोग का। दोस्तों फाइनली मेरा दाढ़ी शेव हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग एकदम चिकना चकना हो गया हूँ, और अब छोटी का 30 रुपया हुआ है, छोटी 30 रुपया ना वो 50 रुपया काट के 20 रुपया दो वापस, ये पैसा अभी इतना बचा है 1500 उतारा था ना, देख रहे हैं 300 ये 10 है 20 देगा 310 रुपया अभी बचा है फिलहाल मेरे पास, बाकी तो सब खत्म है यार। दोस्तों फाइनली शेविंग कराने के बाद और इतना सारा काम करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो बनाने बाबा भोलेनाथ की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन चल रहा है, तो बहुत आज मेहनत किए हैं और अभी देखिए इतना शाम हो गया है, शाम को 5 बजने वाला है, फिर भी मैं व्यस्त ही हूँ अपने काम धंधा में। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और अपने भाई की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, और चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और लेके आते हैं आपको और एक प्यारी सी ब्लॉग वीडियो, तब तक के लिए बाबा और कैमरा मैन गोलू बाय कर दो, बाय बाय कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार, सपोर्ट करिए।